बंधुओं, आपने अभी चार वक्ताओं से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के बारे में उसके अलग अलग पहलुओं पर काफ़ी कुछ सुना। अध्यक्ष का काम कोई भाषण देना नहीं होता, लेकिन यहीं बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि अगर हमें ये देखना है कि हम राष्ट्र के रूप में कितने कन्फ्यूज्ड हैं, तो अनुच्छेद 370 इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इफ यू वांट टू नो एज अ पीपल हाउ मच वी आर कन्फ्यूज्ड, तो ये देख लीजिए, जिस आदमी ने, जिस नेता ने इसे दिया, उसके हिसाब से तो ये ट्रांजिटरी था, टेम्प्ररी था, अस्थाई था, और वो धीरे धीरे घिस कर समाप्त होने वाला था। लेकिन जिसने इसे लिया, क्या वो भी यही सोचते थे? वो ऐसा नहीं सोचते थे। फॉर्चुनेटली मैं शेख साहब से मेरा काफ़ी संबंध था, निकट का, आने जाने का, क्योंकि उनके छोटे, उसके दूसरे बेटे तारिक का मैं क्लास फेलो था, इसलिए मैं उनके घर आता जाता था। जब पार्थासारथी शेख वार्ता चल रही थी, क्योंकि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता था, बहादुर शाह जफर मार्ग के अगले दूसरे छोर पर कोटला लेन में शेख साहब रखे गए थे, और मैं लगभग रोज़ उनके पास जाता था, और उनसे मैंने काफ़ी बात की, और हर मौके पर उन्होंने ये कहा कि 370 का उद्देश्य डेमोग्राफिकली कश्मीर में जो स्थिति है, यानी मुस्लिम बहुलता, उसको बनाए रखना है। एक तो मैंने कहा ये तो आप वैसे भी कर सकते हैं, इसमें इसके लिए 370 की ज़रूरत नहीं है, आप परमानेंट रेजिडेंस का एक नियम है, बहुत सारे राज्यों में है, जिसके हिसाब से आप कुछ लिमिट कर सकते हैं उनके अधिकार। उसने कहा नहीं, खाली डेमोक्रेटिक कैपिटली नहीं, इवन कल्चरली। तो कल्चरली 370 कल्चरली जम्मू कश्मीर को भारत से अलग रखने का मैकेनिज्म था उनके लिए। इसी तरह जो लोग उसका इसका विरोध कर रहे थे, जो नेता उस समय इसका विरोध कर रहे थे, वही उसको पास भी करवा रहे थे। किसी में ये हिम्मत या किसी में ये इतनी एहसास नहीं था कि जो जिसका हम विरोध कर रहे हैं उसका इतना विरोध किया जाए कि ये न चले। अभी जितने चार हमारे बंधु ने बहुत ही विस्तार से इसकी कई कंट्रडिक्शंस दिखाई, ये कंट्रडिक्शंस बेसिकली इसी एक कन्फ्यूजन का, और इस कन्फ्यूजन में, यानी 370 एक ऐसी गुत्थी है जिसे इस देश के 90% लोग नहीं समझते, और उसमें यहाँ के इंटेलेक्चुअल भी शामिल हैं, और जम्मू कश्मीर के 90% लोग भी शामिल हैं, और इस वजह से इसके बारे में जिसको जो मर्जी है उसको वही खींच ले जाता है, उसमें कन्फ्यूजन धीरे धीरे बढ़ाता है। हम जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र में यही कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ लोग जितने ज़्यादा हो सकें इसे पढ़ें, इसके विभिन्न पहलुओं को समझें। अगर ये समझ बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से उनके दिमाग में भी ये बात आ जाएगी कि इसे रहना नहीं चाहिए, और ये न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है, ये पूरे उपमहाद्वीप की शांति के लिए भी बहुत बड़ी बाधा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ।